हेलो, वेलकम बैक टू निशूज लाइव ब्लॉग। फ्रेंड्स, ये मेरा मॉर्निंग रूटीन का वीडियो है। जैसा कि आप सुबह में देख रहे हैं, अभी सुबह के 5:30 हुए हैं। तो मैं आज आपका आप सॉरी मैं आज अपना आप सबके साथ में मॉर्निंग रूटीन शेयर कर रही हूँ। तो अगर अच्छा लगे तो आप सब कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग का टाइम हो गया है और मैं 5:30-4:00 तक उठ ही जाती हूँ। तो सबसे पहले फ्रेश होने के बाद मैं कुछ योगा है, मतलब ये जो बैठने वाले आसन होते हैं ना, तो ये कुछ मैं कर लेती हूँ। क्योंकि क्या होता है ना, चलना फिरना भी इतना नहीं हो पाता है और मॉर्निंग का टाइम भी ऐसा रहता है ना कि आप थोड़ा सा योगा वगैरह कर लोगे तो सारा दिन आपका फ्रेश रहता है, काफ़ी अच्छा जाता है। तो मैं कुछ है मतलब कुछ आसन है जो इसे प्राणायाम वगैरह है या ये चक्की आसन वगैरह जो होता है ना, तो ये कुछ आसन मैं करती हूँ रोज़ डेली का। मेरा मॉर्निंग का रहता है, बाय चांस कभी तबीयत वगैरह नहीं सही है तो कोई नहीं है। बस उसके बाद योगा होने के बाद में मैं थोड़ी देर बैठी, फिर उसके बाद मैं ना वार्म वाटर लेती हूँ, गर्म वाटर लेती हूँ, पानी जो कि मैं मिल्टन की बॉटल में भर के रख लेती हूँ। तो उसके बाद मैं 2 ग्लास गर्म पानी पीती हूँ और फिर उसके बाद में फिर शुरू होता है मेरा जो मॉर्निंग का सारा होता है मेरा। क्या आप सबका ही होता होगा वही झाड़ू वगैरह करना। तो सबसे पहले मैं घर में पूरे घर में झाड़ू कर रही हूँ। तो आज मैं अपना इसी तरह से सारा मॉर्निंग रूटीन जो भी सारा मॉर्निंग से होता है, जैसे मैं उठती हूँ ना उसके बाद से जो भी है, मैं सारा आप सबके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो अभी मेरी झाड़ू लग गई है। फ्रेंड, मैं क्या करती हूँ ना, फास्ट फॉरवर्ड कर देती हूँ क्योंकि आप लोग फुल वॉच करते नहीं हैं, आप ना 2 मिनट भी नहीं देखते और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देते हैं। तो अभी मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, तो बस इसको मैंने ना फास्ट फॉरवर्ड कर रखा है। तो बस मेरा मतलब झाड़ू तो हो गया था, अभी मैं फटाफट से पोछा लगा रही हूँ। और हर जगह फ़ोन लेके नहीं जाती तो फ़ोन मैंने बीच में ही रख दिया है और मैं मेरा पोछा लगा रही हूँ। पोछा लगाने के बाद में फिर बाहर भी जाऊँगी, बाहर भी काफ़ी काम हो जाता है। एक्चुअली हम नीचे का रहता है ना, वैसे मतलब ग्राउंड फ्लोर का, तो फिर थोड़ा सा ज़्यादा काम बढ़ जाते हैं। तो बस अभी मैं नीचे में आई हूँ, बाहर में सॉरी नीचे में बोल रही हूँ, बाहर में आई हूँ। तो और अभी तो देखिए ना, काफ़ी उजाला भी हो गया है, लेकिन मौसम ना मतलब बारिश जैसा हो रखा है, पूरा बारिश बारिश सा हो रखा है। तो बस अभी मैं बाहर वही थोड़ा है और उसके बाद फिर मैं धुलाई कर देती हूँ। क्या होता है, मिट्टी वगैरह रहती है, फिर बच्चे खेलते हैं। अभी थोड़ा सा जहाँ क्लास वगैरह हो जाती है कंप्लीट ना, तो बाबू आके इधर ही खेलते हैं तो थोड़ा सा देखना पड़ता है। तो वही मैं धुलाई वगैरह कर रही थी, पूरे में झाड़ू, और ये डेली का है। आप मतलब सोचो एक दिन नहीं करो तो नहीं चलता है। तो बस ये देखिए, अभी ये लोग सो रहे हैं तो इनका भी मैंने थोड़ा थोड़ा सा क्लिप निकाला, ये भी सो रहे हैं, बिटिया रानी भी सो रही हैं। तो बस अभी मैं इनको उठाऊँगी और बस मैं नहा के अभी आ गई हूँ। नहा के आने के बाद मैं मेरी पूजा कर रही हूँ। सबसे पहला काम यही रहता है नहा के आने के बाद में, क्योंकि क्या है ना, अगर किचन में पहुँच जाओ ना तो फिर बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। यहाँ पर ना मेरी तुलसी माता है तो इनको भी मैं जल देती हूँ। तो बस अब अभी हमारी पूजा हो गई है और इसको मैंने फास्ट फॉरवर्ड करके ही रखा है। तो बस यहाँ पे भी मैं यही बोल रही हूँ कि मैं भी नहा के आ चुकी हूँ और अभी मैं किचन में जाऊँगी, अपना जो भी है नाश्ता वगैरह है आप सबके साथ में शेयर करूँगी। और पहले उससे पहले मैं अपने बाल सुखा लेती हूँ, थोड़ा सा पैर से ऐसे बांधे रखे थे ना, तो पानी तो खैर निकल गया है लेकिन फिर भी कर देती हूँ। और मैं ड्रायर से भी सुखाती हूँ लेकिन अभी इतना ज़रूरत नहीं है खास, बहुत कम ही यूज़ करती हूँ। तो बस अभी फटाफट मैं अपने बाल कंघी कर लेती हूँ और उसके बाद में फिर मैं चलूँगी अपने किचन में। और इधर बाबू लोग भी उठ गए हैं, वो अपने अपने काम में लगे हुए हैं, मतलब नहाना उनका कौन सा काम होता है मॉर्निंग में, वही नहाना धोना जो भी है। तो बस अभी मेरा हो गया है और उसके बाद मैं अपने लिए ना रात में ना जीरा भिगो देती हूँ, तो जीरा पानी पीती हूँ नहाने के बाद ना। सबसे पहले मैं जीरा पानी पीती हूँ बैठ के तसल्ली से, और बच्चे नहा धो रहे होते हैं और किचन में भी नाश्ता वगैरह का हो जाता है। तो आज नाश्ते में मैंने चिल्ला बनाए हुए हैं जो कि आप सब देख सकते हैं, ये दोनों बच्चों का दूध है, उनके लिए दूध निकाल के रखा है, उनका जो भी चॉकलेट पाउडर डाल के उनका रख दिया है और बस उनकी प्लेट भी लगा दी है। तो ये भी मैंने आप सबके साथ में शेयर किया है, बनाते समय नहीं खाती हूँ क्योंकि एक हाथ से कुछ नहीं हो पाता है। ये मेरी चाय है, मैं एक तरफ में चाय रख दी हूँ। तो अभी ना काफ़ी टाइम हो गया था, बाबू की एक क्लास भी हो गई थी, ये उसके बाद का व्लॉग है।
वीडियो है, तो इनकी एक क्लास हो गई थी दूसरे के लिए, ये अभी नाश्ते के लिए वेट कर रहे हैं कि मम्मी जल्दी से नाश्ता लेके आओ। तो बस यही इनका नाश्ता है, और ये बता रहे हैं आप सबको कि आज नाश्ते में क्या है और जो भी है। तो बस अभी मैं इनको निकाल के रख रही हूँ, फिर अभी बिटिया रानी दूसरे कमरे में है, उनकी भी क्लास चल रही है, अभी ब्रेक उनका भी हुआ है, 5-10 मिनट का उनका भी ब्रेक है, तो 10-10 मिनट का इनका रहता है, 10 मिनट का उनका भी ब्रेक होता है। तो देखिए ये तो अपना नाश्ता एंजॉय करने लगे हैं, और अभी मैं अपनी बिटिया रानी के लिए भी रूम में लेकर आई हूँ। तो देखिए आप सबको हाय बोल रही हैं, और इनकी क्लास में भी 10 मिनट का ब्रेक हुआ था, तो ये अपना नाश्ता एंजॉय करेंगी। और मैंने बोला मुझे मेरी ट्रे वापस कर दो, तो मैं भी चलती हूँ किचन में, और फिर मैं भी अपना नाश्ता वगैरह करूँगी। तो फ्रेंड्स यही है हमारा मॉर्निंग रूटीन, यही रहता है। फिर मैं आई इस समय ना 9 बज गया था, 9 तो से ऊपर हमारा ही हो सलून गया वाला था, काम खत्म हो गया है, तो अब बस मुझे जा रहे हैं अभी नाश्ता करने के मैं लिए। आई हूँ और अपना और नाश्ता आप सब लेके बैठी बताइएगा आपको हूँ। हमारा तो मॉर्निंग रूटीन देखिए कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो आ जाइए फ्रेंड, आप सब भी हमारे साथ में नाश्ता करने के लिए। तो फ्रेंड बस अभी हम लोग अपना नाश्ता एंजॉय कर रहे हैं, आप सब भी आ जाइए नाश्ता करिए आके हमारे साथ में, और बाबू भी हमारे साथ में, मैं इनके साथ ही आके बैठ गई थी। अकेले ही अच्छा लगता है इनके साथ में ना, थोड़ा बहुत खा लेंगे पता भी नहीं चलेगा ना इनको भी ना हमको भी। तो बस अभी मैं मेरी चाय लेके आई हूँ, और चाय के साथ मेरा नाश्ता हो रहा है, मुझे तो मॉर्निंग में चाय चाहिए ही चाहिए, और हमारे घर में इतना चाय का शौकीन कोई नहीं है, मैं ही हूँ ज़्यादा ही चाय का, मेरे को बहुत ज़्यादा लत लगी है, बहुत ज़्यादा। और मुझे ये भी पता है कि ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, लेकिन मैं अब कुछ नहीं कर सकती हूँ, बस क्योंकि मुझे चाय चाहिए तो चाहिए। पता है कभी भी थोड़ा सा भी लेट लपेट हो जाता है ना, तो फिर मेरे सर में ना दर्द शुरू होता है, तो इसीलिए फिर मुझे तो चाय चाहिए फ्रेंड्स। तो मैं अपने लिए चाय बनाती हूँ, और हमारे बाबू को भी पसंद है चाय, बहुत पसंद है उनको, दूध देती हूँ सब करती हूँ, लेकिन थोड़ी सी चाय शेयरिंग उनको भी केयरिंग चाहिए वाला होती है, सिस्टम अभी चल रहा क्या है। करें उनको भी हो। कमेंट शेयर कीजिएगा, और जो भी हमारे चैनल पर नए आए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और नीचे लगी बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आपको सबसे पहले जैसे मैं वीडियो अपलोड करूंगी और आपको वहां पे शो करेगा, तो प्लीज, और प्लीज जो भी हमें सब्सक्राइब करता है ना उसके बाद भागना मत, प्लीज प्लीज प्लीज। तो चलिए फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।